मूवी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छी खबर है। क्या फाइनली एक फाइनलाइज हो चुका है, शाहरुख और जॉन है उसमें, जो जैन में शुरू होने वाला है। तो कितना एक्साइटेड हो पठान मूवी के लिए? पठान मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद YRF का मूवी आ रहा है, यशराज फिल्म्स का, शाहरुख एंड जॉन के साथ। तो शायद ये फर्स्ट डेडली कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि जॉन मैंने सुना विलन है इसमें। तो एक्साइटेड मैं बहुत इस मूवी के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पठान मूवी के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज शाहरुख की बहुत टाइम बाद मूवी आ रही है एंड प्लस उसमें जॉन अब्राहम भी है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए जो जिसमें शाहरुख खान जी का रोल है और जो हीरो के रोल्स है और इनके ऑपोजिट में विलन के इसमें रोल में जॉन अब्राहम है। तो काफी एक्साइटेड हूँ ये मूवी के लिए और बाकी बहुत टाइम के बाद 2 साल के बाद इनकी कुछ शाहरुख खान की मूवी आ रही है और उन्होंने लास्ट मूवी जीरो की थी और मैं ऑलरेडी इनका बहुत बड़ा फैन। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें दो बहुत ही फेमस हीरो शाहरुख खान और जॉन अब्राहम। तो मैं मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, देखना चाहता हूँ उसे जल्द से जल्द। जैसे कि शाहरुख बहुत टाइम बाद कमबैक कर रहे हैं ये मूवी के साथ, लास्ट फिल्म थी उसकी जीरो और जॉन की जी जो थी वो नेगेटिव रोल करने वाले, उनकी लास्ट फिल्म थी नेगेटिव रोल वो थी शूट आउट एट वडाला। तो दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ क्योंकि शाहरुख का जैसे कमबैक का मूवी है ये, तो लास्ट उन्होंने जीरो किया था तो हम ऑलमोस्ट सारे जो ऑडियंस है वेट कर रहे हैं शाहरुख के कमबैक के लिए। YRF के साथ अगर वो आ रहा है तो डेडली कॉम्बिनेशन होगा और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। जहाँ तक जॉन की नेगेटिव रोल की बात है तो बहुत ही बढ़िया नेगेटिव रोल करते हैं वो, जहाँ तक हमने देखा है कि शूट आउट एट वडाला में उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है मेरे हिसाब से शाहरुख एंड जॉन अब्राहम। शाहरुख खान की मूवी बहुत टाइम बाद वापस आ रही है जो कि नॉर्मली देखा जाए तो 2 साल बाद उनकी मूवी आ रही, क्योंकि उनकी जो लास्ट मूवी थी वो जीरो मूवी थी और अब 2 साल बाद उनकी पठान मूवी आ रही है, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एंड प्लस जॉन की बात करें जो नेगेटिव रोल में है तो उसके लिए तो मैं और भी एक्साइटेड हूँ बिकॉज जो भी वो नेगेटिव विलन के रोल में वो मूवी करते हैं, जो विलन का रोल करते हो उनका वो हर मूवी वो हिट जाता है, जैसे कि शूट आउट एट वडाला एंड प्लस उसके पहले जिंदा जो मूवी थी वो भी हिट जा चुकी है। SRK जी भी बहुत टाइम के बाद जो मूवीज में आ रहे और हीरो का रोल कर रहे, और देखा जाएगा तो जो जॉन अब्राहम जी है वो काफी टाइम से लास्ट मूवी उनका शूट आउट बड़ा था जिसमें विलन का रोल था और अभी इसमें नेगेटिव रोल में, तो काफी बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रहेगा। मैं चाहूंगा शाहरुख खान 2 साल के बाद आ रहे मूवी में, हम उन्हें 2 साल के बाद मूवी में फिर से देखेंगे क्योंकि तो बहुत साल तक वो मूवी में आए नहीं। और यशराज के साथ उनका पठान है और जॉन अब्राहम नेगेटिव रोल में भी अच्छे शूट होते हैं और पॉजिटिव रोल में भी अच्छे शूट होते हैं। उनका मन्यासुर में कैरेक्टर बहुत हिट हुआ था जब उनका पिक्चर आया था, इसलिए मुझे उनका नेगेटिव रोल भी अच्छा लगेगा। अगर पठान मूवी की बात करें तो आपको क्या लगता है लीड एक्ट्रेस कौन रहेगी और कौन सूट होगा ये मूवी के लिए? ये तो बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है क्योंकि शाहरुख के साथ तो ऑलमोस्ट सारी एक्ट्रेस ही डेब्यू कर चुकी है और जो मेरे हिसाब से मेरा जो सजेशन रहेगा वो शायद दीपिका होनी चाहिए या फिर वाणी कपूर होनी चाहिए। लीड एक्ट्रेस की बात करें तो मैं शाहरुख के साथ मैं कैटरीना कैफ को देखना चाहूंगा बिकॉज ये जो कि ये एक्शन मूवी है और एक्शन मूवी में कैटरीना कैफ ने टाइगर जिंदा है वो भी मूवी की है, तो वो भी एक एक्शन मूवी थी। और मेल एक्ट्रेस है तो मैं देखना चाहूंगा दीपिका पादुकोण जी को, जो उन्होंने ऑलरेडी उनके केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही शाहरुख खान जी के साथ। उनकी जो फर्स्ट मूवी थी जो ओम शांति ओम से लेके बाद में उनकी लास्ट मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की हैप्पी न्यू ईयर हो गए, वैसे भी दोनों की इनमें जो रोमांस था बहुत ही अच्छा लगा था और ये मूवी में भी रोमांस देखने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। शाहरुख के अपोजिट सोनाक्षी सिन्हा अच्छी एक्ट्रेस है, उन्हें देखना चाहूंगा, उनका जोड़ी मुझे लगता है कि अच्छा होगा। जैसे ही कि ये न्यूज आया कि पठान मूवी बनने वाली है जैन में, बहुत सारे ऐसे ऑडियंसेस है जिन्हों का मानना था कि ये मूवी भी बॉयकॉट होना चाहिए। सो एज अ व्यूअर आपका क्या मानना है, क्या ये सही डिसीजन है कि ये मूवी बॉयकॉट होनी चाहिए? एज पर माई पर्सनल ओपिनियन मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉयकॉट होना चाहिए या नहीं, ये इस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर मूवी का कॉन्टेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली पब्लिक जाएगी देखने के लिए, लेकिन अगर मूवी का कॉन्टेंट अच्छा नहीं होगा तो नो डाउट मूवी पिट जाएगी। ये कि बॉयकॉट नहीं होना चाहिए बिकॉज बात करें शाहरुख खान और जॉन अब्राहम की, जो कि ये दोनों जो फिल्म इंडस्ट्री में ऊपर है, दोनों ही विदाउट सपोर्ट फिल्म इंडस्ट्री में इतना उन्होंने नाम किया अपना, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये डिसीजन तो मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि देखा जाएगा दोनों भी जो हीरो है अपने जो नीचे से स्टार्ट हुआ था करियर वहां से लेके अभी तक के जो इसमें किंग खान बने हैं तो बहुत ही मेहनत करके बने, तो इनकी मूवीज ऐसे कभी बॉयकॉट नहीं होनी। डिसीजन सही है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपना राय दूंगा कि
ये मूवी बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें जॉन अब्राहम और शाहरुख खान का कुछ गलती तो है नहीं, वो लोग अपने मेहनत से फिल्म बना रहे और फिल्म रिलीज कर रहे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिल्म बॉयकॉट। जैसे कि शाहरुख और जॉन दोनों ही ये मूवी में है, तो एज अ व्यूअर आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी गिरेगा, जॉन शाहरुख पे या शाहरुख जॉन पे? मुझे तो लगता है कि दोनों की कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि लास्ट हमने शाहरुख का मूवी देखा था जो उन्होंने सिमिलर कैरेक्टर जो प्ले किया था वो रईस में किया था, तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है कि कौन किस पे भारी होगा। और वेरेज हम अगर जॉन की बात करें तो उन्होंने विलेनस रोल उनकी दो तीन मूवी में किया है, फॉर एग्जाम्पल धूम एंड शूट आउट एट वराला, तो दोनों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, तो ये तो देखना पड़ेगा मूवी रिलीज होते कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, लेकिन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी वेरी मच। देखा जाए तो दोनों ही टैलेंटेड है और टैलेंटेड केस में दोनों ही कांटे के टक्कर है, बट एक का नाम लेना चाहूँ तो मैं जॉन का नाम लूँगा, बिकॉज उनके जो बॉडी फिजिक्स से, जो उनके बॉडी फिजिक्स से, उनके एक्टिंग है, जो उनके एक्शन से, वो शाहरुख से बहुत ही अच्छी। देखा तो जाएगा तो शाहरुख जिनका स्टाइल, इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है मूवीज में हीरो के रोल्स में, तो काफी भारी रहती है, तो देखा तो जाएगा तो शाहरुख जी जॉन पे भारी पड़ेंगे मूवी में। जॉन शाहरुख पे भारी हो गए, क्योंकि उनका अभी लेटेस्ट मूवी सत्यमेव जयते आया था, पूरा एक्शन ही मूवी था, मुझे उसका एक्शन बहुत पसंद आया सत्यमेव जयते में, तो मैं चाहता हूँ पठान में भी, पठान पिक्चर में भी उसका एक्शन वैसा ही रहेगा।